Hey guys, I'm back again with one more suggested video. So today's video is about body care, and often we look after skincare so much that we tend to forget about our other body parts. We don't pamper our body parts usually, regularly. So I'm here today to tell you how we can pamper our other body parts. तो आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे घर पे बैठ के घर की चीज़ों से खुद को पैम्पर कर सकते हैं आप, स्पेशली इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन वेयर यू कैन नॉट विजिट द सैलॉन. सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. सबसे पहले लेग्स एंड हैंड्स का करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा टैनिंग हैंड्स एंड लेग्स पे होते हैं, बिकॉज दीज पार्ट्स आर मोस्टली एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ सनलाइट. बॉडी केयर के लिए कौन सा स्टेप्स करती हूँ मैं, वो भी मैं मेंशन कर दूंगी. सबसे पहला स्टेप होगा टू रिमूव एनी नेल पेंट. लेग्स का मैंने ऑलरेडी रिमूव कर लिया है. नाउ व्हेन यू चूज अ रिमूवर, ऑलवेज गो फॉर द एसिटोन फ्री रिमूवर. इससे जो पीलापन आपके नेल्स में होते हैं वो रिमूव हो जाता है. आई एम यूजिंग द वन फ्रॉम इनसाइड. सॉरी, कैमरा के पोजिशन के वजह से आपको प्रॉपरली दिखा नहीं. तो इसके साथ ही साथ कट योर नेल्स टू. नेल्स काटते वक्त ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने नेल्स के इनर कॉर्नर्स ज़्यादा ना काट रहे हो. पेन तो होगा ही, साथ ही साथ इनग्रोन नेल्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है. सेकेंड स्टेप में हम एक टब में वार्म वाटर ले लेंगे, पर ध्यान रखिए पानी उतना ही गर्म लीजिए ताकि आप अपने लेग्स एंड हैंड्स इजीली डिप कर सके. एंड देन इस पानी में मैं 3 to 4 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करूंगी. आप चाहे तो पिंक सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं. इट कैन बी यूज्ड एज एन एक्सफोलिएंट टू सॉफ्ट एंड रफ एंड क्रैक फीट. फिर मैंने एक आधा नींबू काट के ले लिया है. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एक्सफोलिएशन एंड ऑल्सो गेटिंग रिड ऑफ ड्राई स्किन. फिर हम इसमें कोई भी शैम्पू या बॉडी वॉश यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं ये ममा अर्थ का शैम्पू कुछ खास यूज़ नहीं करती हूँ, इसीलिए मैं इन सब चीज़ों में इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ. एंड देन फाइनली मैं गुलाब जल ऐड करूँगी, बस एक अच्छा फ्रेग्रेंस के लिए. आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो हनी भी ऐड कर सकते हैं. इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप अपने लेग्स इस गर्म पानी के अंदर डुबा के रखिए लगभग 5 to 10 मिनट्स. गर्म पानी हमारे हार्ड स्किन को सॉफ्ट कर देते हैं एंड डेड स्किन हटाने में आसानी हो जाती है. फिर मैं यहाँ पे एक लोव का इस्तेमाल कर रही हूँ सारे टैनिंग डेड स्किन स्क्रब आउट करने के लिए. आप चाहे तो फूड फाइलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मैंने लास्ट वीक ही ये प्रोसेस किया था, तो मैंने उसमें इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं आज नहीं करूँगी. सो थर्ड स्टेप के लिए लेग्स को अच्छे से ड्राई कर लीजिए. नाउ यू कैन ऑलरेडी सी अ लॉट मोर डिफरेंस आफ्टर द सेकेंड स्टेप इटसेल्फ. सो नाउ टेक अ हाफ लेमन अगेन. उसे मैंने कुछ इस तरह से कर्व कर लिया है एंड देन आई एम गोइंग टू पोर सम बेकिंग पाउडर ऑन टॉप ऑफ द लेमन एंड यूज इट एज अ स्क्रबर ऑल ओवर माई लेग्स एंड हैंड्स. सो आई लाइक आई ऑलरेडी सेड दैट lemon is a exfoliator and baking powder is going to remove the dead skin cells and soften your feet. It also has antibacterial properties which keeps the infection away. And साथ ही साथ मैं ये भी बता दूँ कि ये step मैं अपने पूरे body पे भी use करती हूँ during shower. इससे हमें instantly effect दिखता है, nails का पीलापन, tanning and dead skins बहुत अच्छे से remove हो जाता है. सो ये स्टेप करने के बाद आप फिर से वही गर्म पानी में अपने लेग्स एंड हाथों को डुबा के रखिए. सो ये मैं यूजुअली बकेट में करती हूँ एंड अगर मैं बकेट में करती तो आपको अच्छे से दिखता नहीं, इसीलिए मैं ये टब मेरे लिए बहुत छोटा पड़ गया है एंड इसलिए अनकंफर्टेबल हो रहा है. अगर आप कर रहे हैं तो कोई बड़ा टब यूज़ कीजिए या फिर बकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एम कैफेन का बॉडी बटर अपने नेल्स के लिए, ताकि मैं क्यूटिकल एरियाज को सॉफ्ट कर सकूँ. सो ये बॉडी बटर बहुत ही ज़्यादा थिक है, टेक्सचर बहुत ज़्यादा थिक है एंड ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा. या फिर आप कोई भी थिक बॉडी लोशन भी ले सकते हैं. जैसे कि मैंने पहले भी बोला, मैंने लास्ट वीक ही अपना पूरा बॉडी केयर रेज्यूम किया था, इसलिए क्यूटिकल एरियाज भी मैंने लास्ट वीक ही क्लीन कर लिया था. बट दोबारा नहीं करूँगी, बट आप ज़रूर कीजिए.
लास्ट स्टेप है, ये मेरा फेवरेट स्टेप है। अगेन मैं ये स्टेप भी अपने बॉडी केयर के लिए करती हूँ ड्यूरिंग शावर। तो इसमें मैंने कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल किया है। जैसे कि हमें पता है कॉफ़ी हेल्प्स इन कामिंग योर स्किन, इट आल्सो हैज़ एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ एंड लास्टली कॉफ़ी इज़ आल्सो यूज फॉर डीटैनिंग। तो यहाँ मैं क्वांटिटी ज़्यादा ले रही हूँ, लगभग 3 टेबल स्पून, क्योंकि आई एम मेकिंग दिस ऑल्सो फॉर माई शावर टाइम। एंड इसमें मैं ऐड करूँगी कोकोनट ऑयल 3 टेबल स्पून। कोकोनट ऑयल अगेन रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, कीपिंग स्किन मॉइस्चराइज्ड एंड ऑल्सो पोजेस एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। This process is really very soothing for skin, guys. It does the scrubbing as well as the moisturizing part at the same time. While doing this, you are also massaging your feet, hands and body, which helps in tightening your skin and gives your skin a proper blood circulation. Usually, ye step ke badle mein bahut log moisturize karte hain with lotions, but summers mein ye bilkul hi possible nahi hota. It feels really very sticky in summers to use lotions, but again, proper moisturization is a must. जो कि ये प्रोसेस में कोकोनट ऑयल करते हैं, इसके बाद हमें कोई भी मॉइस्चराइजर या लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। दिस इज़ व्हाई आई लव दिस आइडिया। आफ्टर दैट यू नीड टू वॉश योर हैंड्स, लेग्स एंड बॉडी विथ क्लीन वाटर एंड यू आर डन। So lastly guys, to make up to this process a perfect one, add your favorite nail paint. Lastly, nail paint use karne se pehle base coat lagana mat bhuliyega. That's it, enjoy your shiny glowy legs and hands and isko body pe bhi istemal kijiye and you'll get the glow and the smoothness, you can feel it already. Tell you about the body care. So बहुत ही सिंपल स्टेप है। जब मैं शावर में जाती हूँ, मैं यू नो द थर्ड स्टेप दैट आई हैव शोन यू अबाउट टेकिंग अ हाफ लेमन एंड उसके ऊपर बेकिंग पाउडर डाल के इन द सर्कुलर मोशन पूरा बॉडी पे आप स्क्रब कीजिए। एंड ऑल्सो द कॉफी स्क्रब दैट आई हैव शोन यू, इट गिव्स यू अ स्मूथ सिल्की स्किन गाइज, इट गिव्स अमेजिंग रिजल्ट गाइज। सो प्लीज ट्राई दिस एंड लेट मी नो योर फीडबैक। अगर ये आप मंथ में दो बार भी करें तो बहुत है, लेकिन अगर आपको यू नो कोई पार्टीज में जाना हो, वेडिंग्स में जाना हो, बर्थडेज में जाना हो या फिर इंटरव्यूज़ में जाना हो, तो आप एक महीने पहले से यू नो प्रेप करें खुद के स्किन को, योर लेग्स, योर हैंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इट क्लीन एंड पैम्पर्ड। You can start doing before 1 month and you can use it once in a week to get more better results. That's it for the video. Thank you for watching. Subscribe my channel if you haven't yet. If you like this video, please hit that like button and also hit the notification bell so that every time I post a new video you get notified. And also comment me, also suggest me, keep suggesting me videos that I can make for you guys. Stay safe, stay healthy, stay immune and don't step out. Take care.